नमस्कार, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं, जो प्राइवेसी है, वह मैरिज में पति पत्नी के बीच भी प्राइवेसी को सरकार ने नहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने माना है और क्या फैसला दिया है, इस फैसले को हम जानेंगे और यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है इसको भी जानना जरूरी है। इसको हम सोशल इशू वाले सेगमेंट से जोड़कर देख सकते हैं, परीक्षा की बात करें और सामान्य स्तर पर यह जानने वाला विषय भी है। वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले हम इसके टाइटल को समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन को प्रारंभ करते हैं। हाईकोर्ट ने क्यों कहा विवाह में भी निजता, कहा हम पूरे मामले में एक की जो यह रूपरेखा हो गई वीडियो सेशन का, उसमें हम बात करेंगे खबर क्या है, इस मामले की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ जो मद्रास हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसको जानेंगे और निजता का अधिकार क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। आइए खबर पर नजर दौड़ाते हैं और तो जानते हैं कि जो मद्रास उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है, गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है, यह मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा इसको स्पष्ट किया गया है जिसमें वैवाहिक गोपनीयता भी शामिल है। गोपनीयता मौलिक अधिकार है जिसमें वैवाहिक गोपनीयता को भी शामिल किया गया है, यह मद्रास हाईकोर्ट का कहना है। इस गोपनीयता का उल्लंघन करके प्राप्त साक्ष्य अदालत में स्वीकार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उन गोपनीयता का उपयोग करके और उसको साक्ष्य के रूप में अगर हम अदालत में प्रस्तुत करते हैं तो अदालत उसको साक्ष्य के रूप में नहीं मानेगा, यही पूरा मामला है। मामले की पृष्ठभूमि की तरफ आइए नजर रखते हैं तो यह मामला एक महिला द्वारा दायर एक दीवानी पुनरीक्षण याचिका से संबंधित है जिसकी शादी 2003 में हुई थी और इस दंपति के दो बच्चे हैं। एक महिला के द्वारा यह जारी गई पुनरीक्षण याचिका थी जिस पर यह फैसला आया है। 2003 में शादी हुई थी, उस दंपत के मतलब पति पत्नी से दो बच्चे हैं। अब पति ने क्या कहा, पति ने यह आरोप लगाया था कि महिला के द्वारा क्रूरता, व्यभिचार और परित्याग का आरोप लगाते हुए विवाह विच्छेद करने की याचिका दायर की थी। पति ने यह कहा था, यह आरोप लगाया था, क्रूरता, व्यभिचार और परित्याग का आरोप लगाया था और यह आरोप लगाते हुए कोर्ट से यह विनती की थी कि हम लोगों को तलाक दे दिया जाए, हम लोगों को अलग रहने की इजाजत दे दी जाए। पति ने अपनी बीवी के पत्नी के कार्य डेटा रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया था और उसने क्या किया था कि जो बातें होती थी कार्य डिटेल को रिकॉर्ड किया था और उस कार्य रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया था कि उसी साक्ष्य के आधार पर हमें तलाक मिल जाए। इस कार्य रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था तभी महिला के द्वारा कहा गया था कि इस दस्तावेज को अस्वीकार करने की मांग की, यह कहते हुए कि यह गोपनीयता का उल्लंघन है, यह जो राइट टू प्राइवेसी है उसका उल्लंघन है, तो इसलिए जो पति के द्वारा कार्य रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है उसको नहीं माना जाए, उसको अस्वीकार कर दिया जाए। हालांकि उसका आवेदन खारिज कर दिया गया है जिसके बाद उसने पुनरीक्षण याचिका दायर की। अब इस पर हाईकोर्ट का निर्णय क्या आया है, हाईकोर्ट के बेंच ने कहा है कि विश्वास सफल विवाह का आधार होता है, पति पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा होना चाहिए, पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास अहम भरोसा है और अगर पति पत्नी पर पूर्ण विश्वास नहीं है तो यह हमारे विवाह को मान्यता नहीं देता है, जो हमारी विवाह की संस्कृति है यह इससे कहीं दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी एक साथी द्वारा जासूसी या निगरानी करना वैवाहिक जीवन की पवित्रता को नष्ट करता है। ऐसा नहीं है कि चाहे पति पत्नी में पति किसी की पत्नी की निगरानी करे, उसकी जासूसी करे या करवाए, या पत्नी अपने पति की जासूसी करे या उसकी निगरानी करे, यह वैवाहिक जीवन की जो पवित्रता है, सेक्रेसी है, उसको नष्ट करता है, उसको नहीं मानता है। ऐसे में कोर्ट इस प्रथा को बढ़ावा नहीं दे सकता है और यह कहा गया कि यह जासूसी करके कॉल रिकॉर्ड किया गया है, उसके गोपनीयता को, उसके उसकी जो राइट टू प्राइवेसी है उसको भंग किया गया है और उसको अगर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया और उसको हम साक्ष्य मान लेते हैं तो इस प्रकार से यह जो विवाह होता है, जो संबंधों पर, भरोसे पर, विश्वास पर आधारित होता है, इस प्रथा पर कहीं ना कहीं से ठेस पहुंचेगा और इसके विपरीत वाली प्रथा पर बल मिलेगा, उसको बढ़ावा मिलेगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि बिना सहमति के पति पत्नी के निजी मामलों की जानकारी प्राप्त करना स्वीकार्य नहीं है। अगर पति और पत्नी में से कोई निजी जानकारी दे रहा है तो अगर मतलब बिना चाहे वह स्वीकार्य नहीं होगा। गोपनीयता का उल्लंघन करके प्राप्त साक्ष्य अस्वीकार होने चाहिए ताकि पति पत्नी एक दूसरे की निगरानी करने से बचे।
पति पत्नी के बीच अगर गोपनीयता से जुड़े मामले, निगरानी से जुड़े मामले को साक्ष्य के आधार पर मान लिया जाता है तो यह एक दूसरा विषय हो जाएगा जो विवाह की पवित्रता को कहीं ना कहीं से नष्ट कर देगा। अदालत ने कहा कि वैवाहिक दुराचार को बिना गोपनीयता का उल्लंघन के वैध उचित तरीके से साबित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे, जासूसी के माध्यम से ही इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, और कई रास्ते हैं जिसके तहत हम वैवाहिक दुराचार को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा अपने फैसले में कहा गया है। राइट टू प्राइवेसी अर्थात निजता का अधिकार क्या है, निजता का अधिकार, आइए बात करते हैं। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ के मामले को जाने बगैर हम निजता के अधिकार को कैसे समझ सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में केस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में निजता के को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। मतलब जो निजता है, राइट टू प्राइवेसी है, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इसको कब स्वीकार किया गया था, तो वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामले में इसको स्वीकार किया गया था, इसको मान्यता मिली थी। जीने के अधिकार और निजता के अधिकार को अलग अलग करके नहीं बल्कि एक समग्र रूप में देखा जा सकता है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 की बात करता है कि जीने का अधिकार और निजता के अधिकार को हम अलग अलग नहीं देख सकते, वह दोनों अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संविधान निजता के अधिकार को संरक्षण देता है क्योंकि यह जीवन का एक बाई प्रोडक्ट है, गरिमापूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान निजता के अधिकार को संरक्षण देता है क्योंकि यह गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। अन्य मूल अधिकारों की तरह ही निजता के अधिकार में भी युक्तियुक्त निर्बंधन की व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन निजता का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को उचित और तर्कसंगत होना चाहिए। निर्बंधन लगाया जा सकता है, आप जानते ही हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 को के अलावा आपातकाल की स्थिति में सभी जो मौलिक अधिकार है उसको निर्बंधित किया जा सकता है, लेकिन उसका एक युक्तियुक्त कारण होना चाहिए, उसका एक तर्क होना चाहिए, एक वैधानिक प्रावधान होना चाहिए। निर्बंधन होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में कहा गया। पुट्टा स्वामी निर्णय के तहत अनुपातिक परीक्षा की बात की गई। ऐसी राजकीय कार्रवाई में एक विधायी जनादेश होना चाहिए, एक वैध राजकीय उद्देश्य का पालन करता हो, जो एक वैध राजकीय आदेश हो उसका यह पालन करता हो, एक ऐसी बातें होनी चाहिए। ये रहा पूरा मामला। हाईकोर्ट ने विवाह में भी निजता के अधिकार को साबित कर दिया है और कहा है कि पति पत्नी में से कोई एक अगर जासूसी, फोन रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो ऑडियो के माध्यम से उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है किसी दूसरे के खिलाफ, पति पत्नी के खिलाफ या पत्नी पति के खिलाफ, तो उसको माना नहीं जाएगा। विवाह एक संबंधों की पवित्रता पर आधारित, विश्वास पर आधारित, भरोसे पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है जो सभी धर्मों में लगभग एक ही जैसी प्रथाओं के द्वारा, इसको अलग अलग प्रथाओं के द्वारा इसको मान्यता दी गई है। ये रहा हमारा पूरा मामला। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल 11 क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।